नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। और मैं सत्येंद्र कुमार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें कि हम लोगों ने भाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फिनिश कर चुके हैं और ज्योग्राफी हमारी स्टार्ट है जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ में हम इंडियन ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर चुके हैं। जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी है जिसमें कि हम लोगों ने इंडिया के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, लोकेशंस के बारे में, तो ये सारे पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो वीडियो है हमारा, जिससे कि हम आगे की ओर बात करेंगे, जिसमें कि हम बात कर रहे थे भाई भारतीय सीमाओं के बारे में। तो यहाँ मैंने आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया था जो कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि भाई उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो था हमारा भाई इंदिरा पॉइंट, और पूर्व में आपके वालांगू है, केबतू है अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम में आपका भाई सीधे सीधे हम गौर माता को या सरक्रीक को पूर्वी या पश्चिमी बिंदु के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बात करेंगे भाई भारत के राजनैतिक स्तर पर। और आप सभी जानते हैं, अगर हम भारत के राजनैतिक स्थिति की बात करते हैं तो स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं तो भारत की राजनीतिक स्थिति इतनी सही नहीं है जितनी कि प्रेजेंट टाइम में बनकर के तैयार हुई है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई जब भारत अंग्रेजों की गिरफ्त में था, यानी कि जब भारत देश जो है अंग्रेजों की गिरफ्त में था, यानी कि हम सन 47 से पहले की बात कर रहे हैं, 1947 से पहले की बात की जा रही है, तो यहाँ हम आपको कह सकते हैं कि इस समय पर अगर हम यहाँ भारत के राजनैतिक की बात करेंगे, यानी भारत की राजनैतिक इकाइयों के पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई भारत की जो राजनैतिक इकाइयाँ हैं वो क्या हैं, मतलब हम किसकी बात करेंगे, भारत की इकाइयों के बारे में, राजनीतिक इकाइयों की हम बात करेंगे, जो हमारी राजनीतिक इकाइयां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ब्रिटिश, जब हम स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता से पहले की बात की जा रही है कि भाई स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश प्रोविंस जो है कि यहां पर मौजूद था, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांत, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, और जिनकी संख्या भाई 11 थी। कितना है हमारे पास, 11 प्रांत जो है कि यहां पर मौजूद थे, जो कि भाई ब्रिटिश के अंडर में वर्क कर रहे थे। और यहीं पर हमारे पास में 562 यानी कि 562 जो है कि भाई रजवाड़े, या हम देसी रियासतें कहें, क्या थी हमारे पास, देसी रियासतें कहें या हम इसे रजवाड़े कहें, देसी रियासतें कहें या हम इसे रजवाड़े, जो पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे मराठा साम्राज्य के तहत या राजपूताना साम्राज्य के तहत, तो वहाँ ये सभी क्या थे भाई, रजवाड़े हुआ करते थे, ये सभी हमारे रजवाड़े थे। और कितने हैं भाई, 562 के अकॉर्डिंग। और इसी के आगे जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत में स्वतंत्रता बनकर के तैयार हुई, तो भाई 1977 के बाद, यानी भारत में 27 नवंबर 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, भाई अगस्त 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो चुका है, भारत आज़ाद हो चुका है। और आज़ाद होने के कुछ समय बाद, यानी 27 नवंबर 1947 को, जब हम 27 नवंबर 1947 की बात करते हैं, तो भाई 1947 में हम किसको पढ़ रहे थे भाई, हम जो है कि यहाँ पर राजनीतिक की बात कर रहे हैं और केवल राजनीतिक की ही बात करेंगे, तो 1947 में एक व्यक्ति था हमारा, और जिसने कि एस के धर, यहाँ पर एक व्यक्ति थे हमारे एस के धर, तो एस के धर के द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया, और जिसके आधार पर, ठीक है भाई, और जिसके आधार पर एक समिति का निर्माण हुआ, और जिसमें कि हमने एक ऐसे विभाग का निर्माण किया जिसमें कि भाषाई आधार पर प्रांतों को बनाने का काम शुरू किया गया, जो हमारे भाषाई प्रांत थे, तो उन भाषाई प्रांतों को बनाना स्वीकार शुरू किया जाता है। और धीरे धीरे करके जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो भाई 1953 की बात करते हैं हम यहाँ पर, यानी कि 1953
तो 1 अक्टूबर 1953 तो भाषा के आधार पर हमने प्रांतों को क्या कर दिया, राज्य घोषित कर दिया। क्या कर दिया है, राज्य घोषित कर दिया गया। और धीरे धीरे और भी कई सारी चीजें हो भी। तो यहां पर एक व्यक्ति थे हमारे फजल अली। कौन था भाई, फजल अली, जो कि 1953 में ही एक आयोग गठित किया जाता है, राजभाषाई आयोग। ठीक है, राजभाषाई आयोग, और जिसमें कि भाई 3 मेंबर्स थे हमारे पास। एक था फजल अली, ठीक, एक थे आपके फजल अली, और दूसरा था आपका हृदयनाथ कुंजरू। कौन है, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। और एक व्यक्ति था आपका भाई यहां पर के एम पन्निकर। कौन है, के एम पन्निकर, के एम पन्निकर। तो इस प्रकार से इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के एक आयोग बनाया, और उस आयोग के द्वारा भारत में भाषा के आधार पर किसका निर्माण शुरू हो गया भाई, राज्यों का निर्माण शुरू होता है। और जब स्वतंत्रता के बाद जब हम बात करते हैं भाई 1955 या 1950 के बाद जब भारत स्वतंत्र होता है, तो इस समय पर भारत के पास 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर मौजूद थे, केंद्र शासित प्रदेश यहां पर ये मौजूद थे हमारे पास में। और फिर धीरे धीरे करके जो है कि यहां पर एक नया आयोग लागू किया गया, जिसे हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया गया, और जिसके बाद में अनेक नए राज्यों का निर्माण होता है। और वर्तमान में अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करते हैं, तो वर्तमान समय में भारत के पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। तो इस प्रकार से अभी हम केवल भारत के राजनीतिक परिवर्तन या राजनीतिक की ही बात कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई दिल्ली, तो दिल्ली हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश था प्रारंभ में। यानी जब हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके बाद 1991 के तहत, किसके तहत, 1991 में दिल्ली को हमने केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके क्या कर दिया भाई, जो हमारा दिल्ली का जो केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश, जो संघ शासित प्रदेश था, तो इसे हमने चेंज कर दिया भाई, और इसे नया नाम दे दिया एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 1991 में किया गया, कब किया गया, 1991 में एनसीआर क्षेत्र जो है कि इसे शामिल कर दिया गया भाई 1991 से, कि ये हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजनल। तो ये क्या है, हमारा एनसीआर में शामिल हो गया है भाई। और प्रेजेंट टाइम में जब हम एनसीआर को पढ़ते हैं, तो एनसीआर में हमारा गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, हापुड़ है, तो ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो कि हमारे एनसीआर में शामिल हैं। और यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे जो इस प्रकार से हम राजनीतिक परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। अब इसी के साथ साथ भूगोल से ये प्रश्न बनते हैं कि भाई भारत की, अगर हम भारत के राजनीतिक की बात करते हैं, तो भारत के राजनीतिक के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा भाई, यहाँ तक आप सभी के समझ में आ चुका होगा कि मैं यहाँ पर केवल भारत की राजनीतिक इकाइयों पर बात कर रहा हूँ और उसी पर डिस्कस होगा, केवल उसी पर डिस्कस करेंगे हम लोग, और इससे आगे हम किसी और बात पर डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियरली बताऊँगा। और इसके बाद में हम अब इसकी जनगणना की बात करते हैं भारत के बारे में, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे भूगोल का ही हिस्सा है, ये भी भारत के भूगोल का ही हिस्सा है, जिसके अंदर यानी कि जब हम जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना के अकॉर्डिंग, यानी कि हम उसकी जनसंख्या के बारे में,
जनसंख्या है और उसकी आयु के बारे में, संख्या आयु कितने प्रतिदिन लोगों की आयु बढ़ रही है, कितनी जनसंख्या है, लिंग अनुपात की बात करेंगे, जाति धर्म और भाषा साक्षरता जनसंख्या वृद्धि के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। और इसी चीज़ को हम जो है कि लेकर के आते हैं कि भाई जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में भारत के अंदर गाँव की संख्या कितनी है, कुल कितने गांव हैं भारत के अंदर, यानी कि अगर हम देश के गांव की बात करते हैं तो कुल गांव की संख्या कितनी है भाई। अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी भाई अभी हमारी जो अगली जो जनगणना है वो अभी शुरू नहीं है, होने वाली है 2021 में होगी। अब 2021 में जो जनगणना होनी है तो इस जनगणना के अकॉर्डिंग तो भाई कुल गांव की संख्या, कुल गांव की संख्या भाई 6.41 लाख, तो यानी कि 6,41,000 गांव हैं भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम में। अगर हम बात करते हैं ये आंकड़े कब के हैं, वर्ष 2011 की जनगणना से, यानी वर्ष 2011 की जनगणना से अगर हम यहां पर बात करते हैं तो भाई सबसे अधिक यानी गांव की संख्या कितनी है, 6 लाख मैक्सिमम, मिनिमम जाने के हम कितनी मानते हैं भाई, 6 लाख है, इससे अधिक भी होगी क्योंकि अभी हम जनगणना नहीं की जा रही है। जब जनगणना होगी तो यहाँ हम उस पर पूरा डिस्कस करेंगे, पूरी तरीके से सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी के, मैं इसे रफ कर देता हूँ भाई। और इसके बाद में जब आप आगे की ओर बात करेंगे तो हम आगे भी देखेंगे कि भारत की जनगणना यानी कि हम किसकी बात करेंगे, जनगणना के महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें या फैक्ट बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। और जहां से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक पर आगे बात करेंगे ठीक है भाई। राजनीतिक परिवर्तन की बात कही जा रही है तो भारत में उत्तर पूर्वी राज्य को शामिल करते हुए, यानी भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं अगर हम मैप बनाएं, अगर हम लोगों ने यहां पर मैप बना दिया ठीक है भाई, ये हमारा मैप है और ये कुछ इस प्रकार से जो हमारे 7 सिस्टर होंगी, यानी कि जो पूरा ये वाला जो एरिया है, यानी कि हमारा जो ये वाला जो एरिया है, पूरा एरिया ये पूरा एरिया क्या है, तो ये हमारा पूर्वी क्षेत्र है, क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र को यानी कि इसमें जो है कि जो राज्य हैं हमारे 7 राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं ठीक है, 7 बहन, इसे हम क्या कहते हैं, 7 बहन, यानी कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहन के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। और वो राज्य कौन कौन से हैं भाई, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, यहां मैं लिख देता हूं अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, और क्या है, त्रिपुरा। तो भाई ये 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, ये हमारे 7 सिस्टर हैं जो कि अरुणाचल भारत के 7 बहनों के नाम से जाने जाने वाले राज्य हैं। अब इन्हीं में से एक राज्य ऐसा है यानी कि त्रिपुरा, और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 और से पड़ोसी देश से मिलती हैं, किससे मिलती हैं, बांग्लादेश से मिलती हैं, किससे मिलेंगी भाई, बांग्लादेश से, 3 और से घिरा हुआ है बांग्लादेश से मिलता है, ये 3 और से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। यहां तक समझ में आया। अब मैं यहां पर आपसे बात करता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रमुख पांच राज्य, यानी कि बड़े राज्य, दृष्टि से बड़े राज्य। तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य, तो सबसे पहले स्थान पर कौन आएगा? राजस्थान। कौन आता है? राजस्थान। पहले स्थान पर क्या है? राजस्थान, जो लगभग, जिसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 342,239 वर्ग किलोमीटर। 342,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और राजस्थान के बाद जब हम बात करते हैं भाई मध्य प्रदेश, क्या है? मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर क्या है? मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पर आता है आपका महाराष्ट्र। और चौथे पर है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये हमारे राजस्थान। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भाई 3,00,000, अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जबकि महाराष्ट्र 3,07,771 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो भाई 2,40,986 किलो वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से अब तो ये बात होगी हमारी स्टेट के बारे में। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई भारत का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिलों की बात कही जा रही है। तो अगर हम जिलों की बात करते हैं तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ भाई सबसे बड़े जिले, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले। तो भाई सबसे बड़ा जिला, अगर हम भारत के सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो भाई कच्छ है। कौन सा है? कच्छ जिला है जो सबसे बड़ा जिला है, जो लगभग 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और कच्छ के बाद में आता है आपका लेह। कौन सा है? लेह। तो लेह भी जो है कि भाई कितना है? 45,110 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 45,110 वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर। तो भाई ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस प्रकार से बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। कैसे डिस्ट्रिक्ट हैं? बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये तो होगी भाई एक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। और जबकि यहाँ हम और भी कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई किसके अकॉर्डिंग कौन कौन से राज्य हैं। जैसे कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो भाई जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य सिक्किम, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो जैसलमेर में भाई कितनी जनसंख्या निवास करती है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा जैसलमेर है कितने में फैला हुआ है, यह आपको कमेंट्स करके बताना है भाई कितने में फैला हुआ है। 27,284 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है, ये सब किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सारा का सारा किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, चले बीकानेर 26,208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 26,208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये हमारे राजनीतिक क्षेत्र की बात की जा रही है भारत की। और जब हम इसकी बाउंड्री की बात करेंगे तो मैं इसकी बाउंड्री की भी बात बता दूंगा भाई किस प्रकार से कौन सी चीज़ कहाँ से और कहाँ पर जुड़ी हुई है और कौन सा राज्य किस प्रकार से इसमें सीमाएँ बनाता है। ठीक है,
अब हम एग्जाम के वे से यानी कि कुछ एग्जाम पॉइंट की बात करते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। जैसे सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा गोवा है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का है, और सबसे छोटा जिला भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, हाँ भाई पांडिचेरी सुना होगा आपने, तो पांडिचेरी में माहे जिला है, कौन सा है, माहे जिला है, जो मात्र 9 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, केवल 9 किलोमीटर में। कितने में है, 9 किलोमीटर में है, जो कि भाई सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ है, जो कि सबसे बड़ा जिला है, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और अगर हम छोटे की बात करते हैं तो क्या है भाई, गोवा है, सबसे छोटा क्या है, गोवा, ठीक है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है भाई, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है हमारा गोवा, 3702 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। समझ में आ गया ना आप सभी के, किसके समझ में नहीं आया भाई, जिसके समझ में नहीं आया हो कमेंट्स करके बता दें भाई, जैसे कि हम लोग आगे बढ़े। यहां तक क्लियर हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए तो हो गया भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया, ठीक। अब मैं यहां पर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करता हूं कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भाई, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि सबसे बड़ा है, लगभग 8349 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 8000, और सबसे छोटा लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है मात्र, ठीक है। ये कितने में फैला है, 8249 वर्ग किलोमीटर में। और जबकि यहां हम बात करते हैं किसकी, जबकि हम यहां बात करते हैं आपके छोटे मात्र सबसे छोटा, तो छोटा क्या है, लक्षद्वीप है, कितना है भाई 32 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। कितने में फैला है, केवल 32 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है ये हमारा। यहां तक समझ में आ रहा है भाई सभी के, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद में जब हम और भी कई सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ हम और भी कई सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ भी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी के, चलिए हाँ भाई समझ में आ रहा है ना सभी के, चले समझ में आना चाहिए, बस सारी पॉइंट जो होगी क्लियर हो जाएंगे, समझ में ही आना चाहिए। अब जैसे कि हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व के बारे में, तो भाई संपूर्ण विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या जो है कि भारत में निवास करती है, कितना है 17.5%। कहने का मतलब ये है कि भाई संपूर्ण विश्व की जनसंख्या मान लीजिए 8 अरब है, कितनी है 8 अरब है, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है 8 अरब है। अब इस 8 अरब का 17.5% भारत में है, इसका 17.5% निकालना है भाई अरब का, कितना है अरब का
यानी संपूर्ण विश्व का 17.5% भारत में निवास करता है। और जिसमें से अगर हम उसकी भी बात करते हैं तो जिसमें से भारतीय में यानी भारत में लगभग 51.47% कौन है, पुरुष जनसंख्या है। क्या है? पुरुष जनसंख्या है। और जबकि 48.53 कितना 48.53% महिला है। 51.47% पुरुष और 48.53% कौन है, महिलाएं हैं। और ये किसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग भाई, 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जब हमारी 2011 में जो जनगणना की गई है उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़ों को बताया गया है कि भाई संपूर्ण विश्व के अकॉर्डिंग 17.5% है, और जबकि अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो 51.47% और महिलाओं की बात की जाए तो 48.53% है। और यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अगर हम लोग इसी स्थान पर अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं भाई, नगरीय प्रतिशत कितना है, यानी कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो कि शहरों में रहने वाले लोग हैं, कहां पर हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, मतलब शहरों में रहने वाले लोग, तो शहर में लगभग प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो भाई शहरों में रहने वाला का जो हिस्सा है 17.70% है। कितना है? 17.70% है। और अगर हम यहां पर बात करते हैं कि प्रत्येक दिन इसमें वृद्धि दर कितनी हो रही है, तो हम प्रत्येक 10 साल में जो वृद्धि हो रही है 1.64% की वृद्धि हो रही है, जो भाई शहर नगरी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं 10 साल में। यानी इतने लोग ऐसे हैं जो कहां पहुंच रहे हैं भाई, गांव से शहर में पहुंच जाते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, गांव से शहर की ओर रुख बना लेते हैं। ठीक है, जैसे भाई उत्तर प्रदेश की अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, करोड़ की बात हो रही है, किसमें बात होगी, करोड़ों में, तो 19 करोड़ जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की है। अगर हम लोग जनसंख्या की बात करते हैं तो 19 करोड़ जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, और जिसमें से भाई 16.51% केवल उत्तर प्रदेश में राज्य करती है। यानी कि अगर हम इसका 100% निकालें 17.5 का, तो इसका 100% जो निकलेगा तो इसमें से भाई 16.51% जो जनसंख्या है वो आपके अपने यूपी में डिपेंड करती है, आपके उत्तर प्रदेश में रहती है। कहाँ रहती है? आपके उत्तर प्रदेश में रहती है। और जबकि हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है अगर हम करोड़ की बात करते हैं लगभग 11 करोड़ के बीच में है, और 0.5% की बात की जाए तो भाई 9.28% है। अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो 9.28%। और जबकि अगर हम गोवा की बात करते हैं या सिक्किम की बात करते हैं, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं भाई सबसे कम वाला जो जनसंख्या वाला राज्य है, अगर हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो भाई इसी प्रकार से हम जनसंख्या वाले क्षेत्र को भी निकालते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम राज्य है जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? अब इसमें से आपको एक प्रश्न का मुझे उत्तर देना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जो हमारी वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई उसमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी है, जो हमारे मेल है कितने प्रतिशत पुरुष हैं जो साक्षरता दर में शामिल हैं, या पूरे देश की साक्षरता दर कितनी है, ये बताइए पूरे देश की साक्षरता दर कितनी है, यानी कि भारत में जो शिक्षा का क्षेत्र है कितने प्रतिशत है। लगभग भाई 65% में मान लीजिए, यानी भारत के 65% लोग ऐसे हैं जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, और बाकी के लोग जो है कि भाई अभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जबकि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां साक्षरता दर 100% पहुंच चुकी है। कितना पहुंच चुका है? 100% पहुंच चुका है। और सबसे कम जो है वही बिहार में है, साक्षरता दर जो है कि बिहार के अंदर है जो कि सबसे कम पारी जाती है। और भाई अगर हम सबसे कम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो वो आपका हरियाणा में है।
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जनगणना से रिलेटिव जो आपके इन सभी पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। केवल जनगणना से संबंधित हैं और जिसमें कि हम भारत के राजनीतिक और यही सब राजनीतिक में हम यही सारी चीज़ें राजनीतिक के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती हैं कि भाई राजनीतिक में और क्या पढ़ते हैं, राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, जनगणना के बारे में पढ़ते हैं, सीट्स पर कौन है, प्रथम स्थान किसका है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो यही सारे पॉइंट्स बने रहते हैं भाई। ठीक है, जैसे अगर हम पुरुष की बात करें, इस 65% में से भाई 75% मेल ऐसे हैं जो पढ़ते हैं और 53% महिलाएं हैं जो पढ़ाई करती हैं। तो भाई महिलाओं का शिक्षा स्तर कैसा है, अभी डाउन है। और लेकिन ये क्या है, ये आंकड़े कब के हैं, ये वर्ष 2001 के आंकड़े हैं, यानी 2001 तक 75% लोग ही पढ़ रहे थे पुरुषों में। लेकिन अब क्या है, इसका 5% बढ़ा दीजिए भाई 80, और 5% आप इसका बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब है आप इसका भी बढ़ा दीजिए और इसका भी बढ़ा दीजिए। तो भाई मैंने यहां पर 80 कर दिया और ये आपका बढ़कर के 64 हो चुका है, लगभग 10 गुना स्पीड से बढ़ रहे हैं अब महिलाएं, तो सुधार हो रहा है। ठीक है, यहां पर सुधार हो रहा है और कई सारी चीजें हैं और आजकल तो हर फील्ड में जो है कि महिलाएं आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे पहुंच रही हैं, तो हमें उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, और वो भी पूरी मेहनत से और लगन के साथ लगे हुए हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जितनी भी सभी महिलाएं हैं और जो भी हमारे स्टडी चैनल पर लगी हुई हैं या जो भी आपकी जो भी इच्छा है, आप सभी की इच्छा पूरी होगी, ऐसी शुभकामनाएं मेरी हैं जो आपके साथ रहेंगी। आप सभी लोग जो है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहोगे वो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन शर्त ये है पाने के लिए भाई मेहनत करनी होगी और बहुत कुछ चीज़ें हैं, कंडीशंस होती हैं, हर कंडीशन से गुजरना होगा तब जाकर के आपको वो चीज़ें प्राप्त होंगी। जैसे कि आप सुनते हो, सभी लोगों को पता ही होगा कि भाई कुछ खोने पाने के लिए खोना पड़ता है। तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि समाज क्या है, लोग क्या होते हैं, शादी पार्टियां क्या होती हैं, बिल्कुल भूल जाइए। अगर आपको जॉब करनी है या जॉब प्राप्त करना है तो भाई सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्यागना होगा, तब आपको जो है कि जॉब प्राप्त होगी। ठीक है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आगे हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। चलिए, जहां तक मैंने जितना समझाया भाई आपके समझ में आ चुका होगा, तो आप इसे एक बार नोट कर लें, जो भी पॉइंट्स हैं इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे इसी टॉपिक पर हम लोग। अभी हम इस पर जो है कि और भी कई सारे टॉपिक होंगे भाई, क्योंकि जनगणना में मैं आपको पूरा टॉपिक कराऊंगा, तो सारी चीजें जो है कि इसी से संबंधित होंगी, पूरा टॉपिक जो है कि हम देश से संबंधित सारी चीजें करेंगे। और एग्जाम बेस से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अगर आप यूपी के एग्जाम दोगे तो भाई यूपी से रिलेटिव कई सारे क्वेश्चन पूछेगा और संबंधित ज्योग्राफी से संबंधित भी कई सारे प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों से। तो आप टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ते रहिए। हाँ भाई, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और इसके बाद में जब हम जनसंख्या कंप्लीट कर चुके होंगे भाई, तो इसके बाद में जब हम आगे की ओर बात करेंगे, जब हम लोग यहाँ कुछ और आगे की बात करेंगे, तो मैं आपको वहाँ भी समझा दूंगा भाई किस प्रकार से हम कौन कौन सी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जनगणना वाला जो पॉइंट है मैं उसे पूरा डिस्कस करूँगा, पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम अभी यहाँ पर केवल राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर रहे थे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और भी कई प्रकार की चीज़ें होंगी तो मैं उसे भी कंप्लीट करूँगा, लेकिन अब हम जो है कि बात करते हैं भारतीय सीमाओं के बारे में। किसकी बात करेंगे, जो भारत की सीमाएं हैं, जो हमारे भारत की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रियाँ हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से लगी हुई हैं और किस प्रकार से एक दूसरे से बंधी हुई हैं। ठीक है, चलिए भाई
जैसे मान लीजिए मैं यहाँ भारत का मैप बना करके तैयार करता हूँ, ठीक है, मैंने ये भारत का मैप बना करके तैयार किया, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से हम जो है कि इसे लेकर के जा रहे हैं भाई, ये हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो परेशान ना होइएगा क्योंकि राजस्थान जो है कि हमारा काफ़ी बड़ा है, ठीक है भाई, क्योंकि भाई क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान जो है कि सबसे बड़ा राज्य है, तो परेशान ना होइए। ठीक है, ये आपका भारत है और इस भारत की हम स्थलीय यानी कि अब हम बात की सीमाओं की बात करेंगे। किसकी बात की जा रही है भाई, इंडियाज फ्रंटियर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, इंडिया इंडियाज फ्रंटियर, भारत की सीमाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं भाई स्थलीय सीमा के बारे में, हम किसकी बात करें भाई, लैंड फ्रंटियर्स की बात करेंगे कि स्थलीय सीमा क्या होती है। स्थलीय सीमा, लैंड फ्रंटियर, ठीक, कहने का मतलब यह है कि भाई भारत की जो स्थलीय सीमा है, केवल स्थलीय सीमा का मतलब है कि भाई इस वाले राज्य से यानी कि यहाँ से लेकर के और गुजरात से लेकर के इस प्रकार से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो केवल ऊपर वाले राज्यों को हम गिनेंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे भाई, इस वाले क्षेत्र को शामिल नहीं करेंगे। हम लोग गुजरात से लेकर के और जो हमारा पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये तटीय सीमाएँ हैं। कैसी सीमाएं हैं हमारी, तटीय सीमाएं हैं, तो क्योंकि ये भाई खाड़ियों में स्थित है, प्रायद्वीपीय है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर, ठीक, और ये आपका हिंद महासागर, ये हमारा हिंद महासागर है जो इस प्रकार से बना हुआ है, और इसी में छोटा सा एक क्षेत्र में बना देता हूं भाई, क्योंकि ये है आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, ये हमारा लक्षद्वीप बना हुआ है जो कि एक द्वीप ही है, लक्षद्वीप का काम करता है, ठीक है, ये इस प्रकार से एक लक्षद्वीप बना हुआ है, और यहां ये जो है कि आपका भाई अंडमान निकोबार है, ठीक है भाई, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना हुआ है, यहां हम लोग अंडमान की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है भाई, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। एक सेकंड भाई, हाँ भाई समझ में आ गया ना सभी के, तो स्थलीय सीमा का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि भाई भूमिगत सीमाएं, केवल भूमिगत जो सीमा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल जमीन की बात की जा रही है कि भाई जो जमीन है, जो हमारी जमीन है वो जमीन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, केवल जमीन की बात कही जा रही है कि जो हमारी जमीन है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई, यानी कि गुजरात राज्य से लेकर के और जब हम त्रिपुरा राज्य तक की बात करेंगे तो ये सब क्या है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, स्थलीय सीमा में फैली हुई है। किसमें फैली हुई है, स्थलीय सीमाओं में फैली हुई है, तो हम कह सकते हैं कि भाई भारत की जो स्थलीय सीमा है कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, कितना है, 15,200 किलोमीटर है, समझ में आया, और जिसके अंतर्गत और इस 15,200 किलोमीटर में भी, इस 15,200 किलोमीटर के अंदर भी हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, यानी कि पड़ोसी देश, पड़ोसी
देश की सीमाएं, जो कि भाई इस पूरे को कवर करने का काम करती हैं। 200 किलोमीटर की जो सीमाएं हैं उसे कवर करती हैं। तो यहां पर हम केवल उनके देशों के मध्य की सीमाओं की बात करेंगे, यानी देश की मध्य सीमाएं, मध्य सीमा। तो भाई जैसे कि भाई बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, सॉरी चाइना को मैं पहले ऊपर लिख देता हूँ, पाकिस्तान को मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, नेपाल, म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, और साथ ही साथ में हम बात करते हैं भूटान, अफगानिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान। तो भाई भूटान और अफगानिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान। तो जो बांग्लादेश है भाई 4096 किलोमीटर की सीमा को निर्धारित करता है। कितना है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा को निर्धारित करता है। और जैसे कि हम बात करते हैं 3488 किलोमीटर चाइना करता है। पाकिस्तान की बात करते हैं भाई 3223 किलोमीटर पार करता है। नेपाल की बात करें 1751, म्यांमार की बात करें 1653, और अगर भूटान की बात करते हैं 699, नेपाल की बात कर रहे हैं तो भाई 1751, ठीक, और म्यांमार की बात करते हैं 1643, भूटान की बात करते हैं भाई 699, और अफगानिस्तान की बात करते हैं 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर है। अब आप जब इन्हें हम कवर करेंगे, जब हम लोग इन्हें कवर करेंगे तो भाई क्या है, तो जब हम इन्हें कवर करते हैं या हम इनको जोड़ते हैं तो लगभग 15,100.7 किलोमीटर बैठता है, 15,101.7 किलोमीटर बैठेगी ये। और जब हम निर्धारित करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में निर्धारित है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि कुछ सीमाएं ऊपर नीचे हो जाती हैं तो वो इस प्रकार से डिनोट की जाती हैं। अब यहां पर कुछ पड़ोसी देश के साथ में भारत के कुछ राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, वो राज्य कौन कौन से हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ में भाई भारत के अनेक राज्यों के साथ सीमाएं बनती हैं, जैसे कि बांग्लादेश कहां है भाई, ये है हमारा, ये हमारा बांग्लादेश। तो यहां से भाई जितने भी इसके संपर्क में जितने भी राज्य होंगे सबकी सीमाएं बनेंगी। देखिए ये है आपका अफगानिस्तान, जो केवल जम्मू कश्मीर से सीमाएं बनाएगा इस प्रकार से, और ये है आपका पाकिस्तान, ये क्या है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक है, और ये पूरा जो है कि चाइना है, ठीक है भाई, चाइना है, और ये आपका नेपाल, ठीक है, नेपाल, और यही आपका पास में ही है भूटान, तो भूटान भी सीमाएं लगाएगा, ठीक है भाई, और ये वाला पूरा जो कंट्री है म्यांमार है, ये पूरा यानी कि नेपाल, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, ठीक है, भूटान। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई आप सभी के, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया। तो ये कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जिससे कि भारत की सीमाएं लगती हैं, भारत की सीमाओं को निर्धारित किया जाता है। और मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि भाई कितने कितनी सीमाएं यहाँ से भारत की सीमाओं को मिलाया जाता है। तो ये तो हो गई भाई हमारी स्थलीय सीमा, कितनी हो गई, स्थलीय सीमा। अब हम इसकी जलीय सीमा की बात करेंगे कि भाई भारत की जो जलीय सीमा है कितनी है, जो जलीय सीमा है, तटीय सीमा कहें या हम इसे
जलीय सीमा कहें वाटर फ्रंटियर, क्या कहेंगे हम इसे, वाटर फ्रंटियर, क्या कहते हैं, वाटर फ्रंटियर कहा जाता है इसे, हम क्या कहेंगे भाई, वाटर फ्रंटियर कहेंगे। मैं इसे साफ कर देता हूं भाई, जलीय सीमा को, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहां पर कुछ और क्षेत्र हैं तो मैं उनको बना देता हूं, जैसे कि भाई गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, और यहीं छोटा सा गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है भाई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और केरल के बाद भाई ओडिशा, केरल के बाद में ओडिशा, और ओडिशा के बाद में आता भाई आपका पश्चिम बंगाल, या हम तमिलनाडु भी लिखेंगे भाई, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पश्चिम बंगाल भी हो गया, और आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ राज्य हैं जो कि हमारे जलीय सीमाओं से अपनी फ्रंटियर को बनाते हैं, यानी कि भारत की फ्रंटियर को बनाया जाता है। तो ये आपके भाई 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमाओं से लगे हुए हैं, और जिसमें कि सबसे लंबी जलीय सीमा भाई किसकी है, गुजरात की है, लगभग 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर है। और जबकि हम सबसे अगर कम की बात करते हैं तो भाई सबसे कम जो जलीय सीमा लगी हुई है किसकी लगेगी भाई, छोटा है, गोवा है, तो गोवा की ही लगेगी, सबसे छोटी जो है कि गोवा की ही लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो जलीय सीमा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ठीक है, जलीय सीमा की हम बात करेंगे, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं भाई, जलीय सीमा, वाटर फ्रंटियर, ठीक है। तो भाई जलीय सीमा की अगर हम पहली टॉपिक की बात करते तो भाई 6100 किलोमीटर है, कितनी है हमारे पास में, 6100 किलोमीटर है, जो कि भारत के 9 राज्य, कितने हैं, 9 राज्य हैं, और जहां से 6100 किलोमीटर की दूरी तय होती है, जिसे भाई हम तटीय सीमा भी कहते हैं, इसे तटीय सीमा भी कहा जाता है, इसे हम वाटर फ्रंटियर या तटीय क्षेत्र के, यानी कि, ठीक है, कोस्ट फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है, कोस्ट गार्ड, जो तटीय तट रक्षक जो होता है, ठीक है, जो हमारा कोस्ट, COAST, कोस्ट और फ्रंटियर, कोस्ट फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं हम इसे, तटीय सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। और अगर हम कुल जलीय सीमा की बात करते हैं कि भाई कुल जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा तो लगभग 71 पॉइंट, यानी कि कितनी है हमारे पास में, अगर कुल जलीय सीमा की बात की जाती है तो भाई 75.6 किलोमीटर है। और जिसमें कि भाई क्या है, यहां मैंने आपको जो द्वीप हैं, जो आइसलैंड होते हैं, क्या होते हैं, द्वीप की सीमा, यानी कि जो हमारे द्वीपों की सीमा है, मैंने इसमें उसे इंक्लूड कर दिया है, यानी कि जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाकर के लगभग 1400.16.6 किलोमीटर जो दूरी है, वो मैंने किसमें चेंज कर दिया भाई, 6100 में मैंने उसे मिक्स कर दिया है, ठीक है, किसमें मिक्स कर दिया है, 6100 में उसे मिक्स कर दिया है। तो इस प्रकार से भाई कितना हो गया है, 75.16.6 किलोमीटर है, और ये हमारे कुल जलीय सीमा है, या हम इसे कुल तटीय सीमा भी कह सकते हैं, कुल तटीय सीमा भी हम इसे कह सकते हैं।
तो आज हम जो है कि अपने वीडियो में यहीं तक इसे कंप्लीट करेंगे और इससे आगे हम समुद्री सीमाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि भाई प्रादेशिक जल सीमा किसे कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र क्या होता है, और इसी के साथ साथ हम बात करें भाई अनन्य आंशिक क्षेत्र पर भी बात करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और तब तक के लिए भाई आप सभी लोग बने रहिए साथ में, और कुछ समय बाद मैथ्स की वीडियो आपको स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सभी लोग मैथ्स के भी जुड़े रहें और बने रहे भाई हमारे उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।